जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर वो तो कमजोर हो, खराब हुई का अशुभ प्रभाव दे रहे हो, वो व्यक्ति पहले तो समाज में सबके मजाक का पात्र बनता है। और जब ऐसे व्यक्ति को स्वयं सीरियस रह करके किसी की बात को सुनना समझना होता है तो ऐसा व्यक्ति भी दूसरों का मजाक बनाने लग जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। घर की बहन बेटी बुआएं हमेशा ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का दुख देने के कारण भी बनती है, चाहे वो गृहस्थी के तौर पर हो, चाहे वो उनकी अपनी सेहत के तौर पर हो। व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार, उसमें भी ऐसे व्यक्ति के सफल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। घर के अंदर हमेशा एक कंफ्यूजन वाला माहौल बना रहता है। डिसीजन लेने के मामले में ऐसे लोग हमेशा पीछे बैठे रहते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट होकर के ऐसे लोगों को निर्णय लेने पड़ते हैं। ये बुध की खराबी के लक्षण होते हैं। और साहब साहब, अब इसके उपाय कौन से कर रहे थे? सबसे पहला होगा यहाँ से नाक छेदन करवा करके सोने की तार जरूर पहने। इसके अलावा गले में तांबे का छेद वाला पैसा खाकी या सफेद धागे में डाल करके बुधवार के दिन पहने। कन्या पूजन ऐसे व्यक्ति को निरंतर करते रहना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को रेगुलर बेस पर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ऐसे व्यक्ति को स्त्रियों का आशीर्वाद जरूर लेते रहना चाहिए। और घर के अंदर विशेष तौर पर पेड़ पौधे तो जरूर लगाएं, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी पेड़ पौधे सूखे हुए ना हो और घर में किसी भी प्रकार से टूटी फूटी मूर्तियां भी इकट्ठा ना करें। आशा है आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा।